जब भी रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चले आप देखें इंट्रो। अस्सलामुअलैकुम मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, बट अलहमदिल्ला अभी बेहतर है तबीयत और अभी रोज़ इंशाल्लाह वीडियो आएगी। तो लास्ट वीडियो जिस तरह से अगर आपने मेरी देखी हो, नहीं देखी भाई ये लिंक है, इस पर जाके क्लिक करें और देखें। मैं लाया था स्पाइडर प्लांट और आज उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं, क्लोरोफाइटम भी कहते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और क्या ही मैं कहता हूँ, कमाल का प्लांट है ये। तो इसका मदर प्लांट है ही है और इसके जो ये जो पॉप्स हैं इतने ज़्यादा हैं कि मैं मतलब इसको प्रोपोगेट कर करके थक जाऊँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और इसके अंदर से काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है, इनके छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लांट है। और मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग इस चीज़ के अंदर लगी है वो ये है कि कौन भाई लीफ लगाए, स्टेम कटिंग करे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनके यहाँ पर ऑलरेडी पफ्स मौजूद हैं, रूट्स इनकी आई हुई हैं, ये इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपको दिखाऊँ ये रूट्स इनकी आई हुई हैं, बस यहाँ से इनको सेपरेट करना है और आप मिट्टी में लगा दें और ये बिल्कुल ज़बरदस्त प्रोपगेशन इसकी हो जाएगी। तो बहुत ही कमाल का प्लांट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पाइडर प्लांट इसको इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से अगर आपने स्पाइडर को देखा हो वो अपने जाल से इस तरह से लटके हुए होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से जो है वो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको ये मैं दिखा सकूँ इसके अंदर तो ये देख सकते हैं, ये इसका जो सीन है वो इसी तरह से है जैसे स्पाइडर का जो है वो सीन होता है। तो इसीलिए इसको स्पाइडर प्लांट का नाम दिया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो ये, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक वेरिएशन के साथ है ये प्लांट और बहुत ही आला है। हाउस प्लांट्स के अंदर अगर किसी चीज़ की बात की जाए तो स्पाइडर प्लांट सारी लिस्ट के अंदर मौजूद है। मतलब बेडरूम के अंदर देखें तो स्पाइडर प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग में देखें तो स्पाइडर प्लांट है, बेस्ट इंडोर प्लांट के अंदर देखें तो स्पाइडर प्लांट है। तो बहुत ही बेहतरीन प्लांट है और इसके अंदर जो सबसे बोनस पार्ट है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इनके ये पप्स। और ये वक्ता फ़वक्ता जो है वो आप देखेंगे कि यहाँ से देखें ये बिल्कुल न्यू जो है वो यहाँ से इसकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ अंदर से इसकी मजीद न्यू ग्रोथ हो रही है। तो ये इस तरह से जो है वो ग्रो होते रहते हैं और आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट वगैरह के अंदर अगर आप इसको लगाते हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर आप इनको प्रोपगेट नहीं करते तो इनका साइज मजीद बढ़ जाएगा और उसमें और जो है वो ये अट्रैक्टिव लगते हैं। लाइट की अगर बात करें तो लाइट में आप देखें कि ये वेरिएशन है और इनकी स्पाइडर प्लांट की काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जिसके अंदर वेरिएशन या कोई भी वेरिएटेड प्लांट हो तो उसमें ब्राइट लाइट का सीन बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसको बहुत ज़्यादा आपको ब्राइट स्पॉट में रखना होता है क्योंकि उसकी जो वेरिएशन होती है अगर आप डार्क में रखेंगे तो वो ख़त्म होने शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से अभी ये इसकी वेरिएशन है तो इसको ब्राइट स्पॉट के अंदर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें, वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा ना दें। हाँ अगर ठंडी धूप है, जिस तरह से मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि अगर ठंडी धूप आ रही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दोपहर की जो बहुत ज़्यादा सख्त धूप होती है उससे जो है वो इसको अवॉइड करें, वरना जो है वो सनबर्न का सीन हो सकता है। क्योंकि जहाँ से मैं इसको लेकर आया हूँ वहाँ पर ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था, तो इसीलिए अगर आप देखें ये टिप्स जो है वो इसकी सारी के सारी यहाँ से जलना स्टार्ट हो गई हैं। जो पुराने लीव्स हैं उनकी टिप्स जो है वो ऑलमोस्ट जल रही हैं, लेकिन जो न्यू निकल रहे हैं उनकी अभी अलहमदिल्ला वो बेहतर है। तो डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें। हाँ अगर ग्रीन वाला है जिसके अंदर वेरिएशन नहीं है, ग्रीन वर्जन है, तो वो आप डार्क में रख सकते हैं, वहाँ पर उसको ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी का सीन बिल्कुल वैसा है जैसे मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि देखें जब ड्राई हो जाए सॉइल फिर आप पानी दें। विंटर्स में क्योंकि पानी ज़्यादा देर से ड्राई होता है तो इसीलिए आप उसको जो है वो कम पानी दें, अदरवाइज जो है आप इस सीज़न के अंदर जिस तरह से आजकल का सीज़न है क्योंकि इसको ब्राइट स्पॉट में रखते हैं जहाँ ज़्यादा धूप नहीं आ रही होती या डायरेक्टली सनलाइट नहीं होती, लेकिन वहाँ पर होता तो ब्राइट स्पॉट ही है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो वहाँ आप इसको जो है वो पानी जो है तब दें जब ये ड्राई हो जाए। ह्यूमिडिटी की इसमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, हाँ लेकिन अगर आपने इंडोर वगैरह में रखा हुआ है तो आप स्प्रे बॉटल जो होती है वाटर स्प्रे बॉटल उससे जो है वो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, या हफ्ते में जो है वो इसको शावरिंग कर दें इसकी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पाइडर प्लांट थोड़ा टफ प्लांट है और जिस तरह से स्नेक प्लांट होता है बिल्कुल वैसा तो नहीं है, लेकिन ये अगर आप पानी वगैरह ना दें इसको तो थोड़ा सा ये
सरवाइव कर जाता है। फीडिंग की जरूरत होती है और आप इसको फीड कर सकते हैं वंस इन अ मंथ कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सख्त गर्मियों के अंदर जो है वो आप थोड़ा सा फीडिंग को अवॉइड करें। अगर आप देखें सही चल रहा है प्लांट तो ठीक है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये एक हाउस प्लांट है तो एक हाउस का एक घर का जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो सबसे बेस्ट टेम्परेचर है इसका तकरीबन जो है वो 15 से 24 के अंदर जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो है वो आप इसको अगर टेम्परेचर देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है और उसमें ये अच्छे से सर्वाइव करता है और इसके काफ़ी सारे आपको पप्स और फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। अगर बात करें प्रोपगेशन की तो ये प्लांट मुझे सबसे बेहतरीन प्लांट लगा ही इसीलिए है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा आसानी से प्रोपगेशन हो सकती है। ना स्टेम कटिंग करने की ज़रूरत है, ना आपकी इसकी लीफ कटिंग की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर यहाँ पर ये पक्स इनके ऑलरेडी हो जाते हैं, रूट्स भी इनकी यहीं साथ में हो जाती हैं। बस आपने इनको निकालना है, सेपरेट करना है और दूसरे स्पॉट में या मिट्टी के अंदर जो है वो आप लगा दें इसको। अगर आपको मैं ये दिखा सकूँ तो ये मैंने इस तरह से छोटे से कप के अंदर जो है वो ये पानी रखा हुआ है, पानी के अंदर मैंने ये डाल दिया था। तो आप इसकी ये जो रूट्स हैं ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये रूट्स आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये रूट्स यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और ये तो हो गई वाटर प्रोपगेशन, मतलब अगर आप पानी के अंदर भी इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पप्स को जो है वो, ये अभी इसके साथ ही लगा हुआ है, इसको मैंने सेपरेट नहीं किया, तो ये पानी के अंदर रखा हुआ है और वहाँ से इसकी रूट्स ग्रो हो रही हैं। जब मुझे इसकी रूट्स लगेंगी कि इसको मैंने सेपरेट करना है या मैंने इसके साथ ही इसको चलाना है तो रूट्स इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो चुकी हैं। आप इसको सेपरेट करना है, बल्कि मैं आपको ये करके दिखा दूँ, इस तरह से आप इसको सेपरेट कर लेंगे और आप इसको जो है वो लगा देंगे। ये देखें ये हो गया सेपरेट, ठीक है ना। और इसके अंदर भी जो है वो अगर आप इसको भी 2-3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर दें क्योंकि इसके अंदर भी रूट्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये इस तरह से आपने जो है वो क्या कर लेना है, दूसरे पॉट में लगा देना है और ये आपका एक न्यू स्पाइड प्लांट जो है वो बन गया है। तो एक तो ये हो गया इसका, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है इसका सीन। और दूसरा जो है वो इसकी रूट डिवीजन है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे जो है वो इस पॉट के अंदर तो बहुत सारे जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो के अलग अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि उनकी रूट्स भी जो है वो मौजूद हैं। स्पीड की अगर बात की जाए तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडोर प्लांट्स है जो के कहते हैं जी, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी जो है वो ग्रोथ होती है और ये वाकई में सच है। मैं खुद अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 2-3 हफ्ते हुए होंगे इसको लाए हुए और इसकी ग्रोथ जो दिख रही है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोथ दिख रही है। ग्रोथ उस वक्त दिखेगी जब अगर आप इसको अच्छे कंडीशंस, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप इसकी पूरी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ आपको दिखती रहेगी। अगर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वहाँ पर आप इसकी ग्रोथ को रुकता हुआ देखेंगे, बल्कि ना ही वो आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से, इसकी जो कंडीशंस हैं, लाइट है, पानी है, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर देते रहें तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेट चलता रहेगा। तो रैप अप करते हैं और समरी इसकी मैं अगर आपको बताता जाऊं तो लाइट अगर इसको आपने देनी है तो ब्राइट लाइट दें, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना दें। पानी जब मिट्टी आपको ड्राई लगे तो आपने पानी देना है। ह्यूमिडिटी की कोई खास ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वंस इन अ मंथ यूज़ कर सकते हैं। और टेम्परेचर इसका जो एक रेगुलर टेम्परेचर होता है 15 से 25 का, उसके अंदर मियान आप इसको टेम्परेचर दें तो बहुत अच्छे से चलेगा। बाकी टाइम पे भी चल जाएगा लेकिन सरवाइव करेगा उस वक्त। अभी जो अगर आप इसका जो इसका टेम्परेचर है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेचर के अंदर रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और प्रोपगेशन इसकी बहुत आसान है। इसके जो ये पक्स वगैरह मौजूद होते हैं आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।